बागबाहरा डुमरी के हॉस्पिटल कॉलोनी से तीन घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने तीनों घर से 3 लाख नगद और करीब 13 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि छठ पर्व को लेकर परिवार के सदस्य घाट गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने ताला तोड़कर नगदी समेत कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटना को लेकर भुक्तभोगियों में काफी आक्रोश है। हॉस्पिटल कॉलोनी से तीन घर में चोरों ने चोरी की है। घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। 3 लाख नकदी समेत 13 लाख के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया और छठ घाट पर सभी परिवार के लोग गए हुए थे। रग रुक दे के हम लोग आए 7 बजे के समथिंग आ रहे थे। तो ये मेरा जो दरवाजा जो मेन गेट है ये मेरा बंद था और जो चोर था डकैत था जो भी हो इधर से घुसा ये मेरा ताला तोड़ा और बाकी जितना भी सब मेरे झुमका चैन अंगूठी पायल वगैरह जितना था केस के साथ सब लेके चला गया। तो 9 लाख रुपए समथिंग किया नगद 2 लाख रुपए। मेरा दोनों झुमका चोरी हो गया है, हार चेन 2 पायल, बच्चे लोग का बजरंगबली का लॉकेट था, चंद्रमा था। इस कॉलोनी में मेरे यहाँ हुआ है और एक दो घर में हुआ है। वहाँ भी इसी तरह एक ही समय में 3 घर में चोरी हो गया। छठ घाट की ओर से रग रुक देख। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बागमारा से संवाददाता फोन लाइन पर अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए जिस तरीके से ये पर्व और त्योहार सामने आते हैं तो ऐसे में चोर जो है वो काफी सक्रिय हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज पहले सुबह ये चोरी की घटना हुई और एक ही समय पर 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। कॉलोनी का है जहाँ 3 घरों के ताले तोड़कर चोर लगभग 13 लाख के जेवर सहित कई नगदी अभी पर हाथ साफ कर गए हैं। पूरे मामले पर एक वो ये जानकारी मिल पाई है कि सुबह के अर्घ को लेकर वहाँ के जो भी लोग हैं, कहा जाए तो पूरे कॉलोनी के लोग ही इस आस्था भरे पर्व को लेकर एक छठ घाट में गए थे, कहीं किसी अपने परिजन को गए थे। तो कहा जाए तो पूरा मोहल्ला पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। जो परिजन अगर घर में रुके भी थे वो अर्घ के समय में घर से निकलकर और अपने गंतव्य जो छठ घाट है वहां चले गए थे। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर चोरों ने यह इस घटना को अंजाम दिया है। कुल 13 लाख रुपए नकदी और जेवर सहित बताए जा रहे हैं। और जिस तरह की घटना हुई है, घटना के बाद थाने को सूचना दी गई है और थाना द्वारा जो भी घटना हुई है उसके तफ्तीश में जुट गए हैं थाने के लोग। वहीं पर जो भुक्तभोगी है उनका यह मानना है कि जिस तरह से भीड़ भाड़ का इलाका या खास करके डुमरा अस्पताल जो जो मुख्य सड़क के किनारे में है, कहीं ना कहीं चौकसी की भी कमी जो प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि पर्व त्योहार का समय है, कहीं ना कहीं प्रशासन की एक सुदृढ़ व्यवस्था भी जरूरी है। खास करके उस तरह के जो रिहायशी इलाके हैं उस जगह में उसकी भी कमी देखी गई है। हालांकि जिस तरह से लगातार ये जो घटना सामने आ रही है पूरे जिले में कहे तो इस तरह का माहौल चोरी की घटना का है या डकैती घटना का है या लूट की घटना का है, इस तरह का जिले में कहा जाए तो अराजकता का माहौल फैल गया है। अब देखने वाला बात यही होगा कि आगे प्रशासन किस तरह से कड़ी कार्रवाई करती है, खास करके ये एक बड़ी रकम 13 लाख रुपया बताया जा रहा है। बिल्कुल अशोक, तो देखिए आप पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर तहकीकात करेगी और चोरों पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।